सत श्री अकाल। खबर खास प्रोग्राम वेखन वाले साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल जसमीत। अपने इस प्रोग्राम के जरिए असी तुहानूं सारियां खबरां विखाउने आ जो सीधियां तुहाडे नाल जुड़दियां ने, तुहाडे ते असर पाउंदियां ने, तुहाडे ज़हन दे विच बैठ जांदियां ने ते तुहानूं मजबूर करदियां ने सवाल चुकन लई। तां शुरू करदे आ खास खास खबरां दा कारवा। गल करदे आ सरहदों पार पाकिस्तान दी, जिथे घट गिणतियां ते तशद्दुद लगातार जारी है। कुछ दिन पहला एक सिख कुड़ी नूं अगवा कर लिया गया जिसका हले तक कोई सुराग नहीं मिलिया। इसे इंसाफ दवाउण दी मंग नूं लैके दिल्ली दे विच श्रोमणी अकाली दल अते दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे वल्लों प्रदर्शन कीता गया। विरोध प्रदर्शन दी आए तस्वीरां दिल्ली दे विच पाकिस्तान हाई कमिश्नर दफ्तर दे सामने दियां ने, जिथे DSGMC ते अकाली वर्करां ने प्रदर्शन कीता। इन्हां वल्लों पाकिस्तान दे विच अगवा होई सिख कुड़ी नूं इंसाफ दवाउण दी मंग लैके प्रदर्शन कीते गए। इस मौके ते इन्हां ने तख्तियां ते पाकिस्तान दे विरोध विच नारे लिखे होए सन ते बुलबुल कौर दे लई न्याय दी मंग कीती गई। मुजाहराकारियां ने पुलिस वल्लों लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ के अंदर जाण दी कोशिश कीती, पर पुलिस वल्लों इन्हां मुजाहराकारियां नूं उत्थे ही रोक लिया गया। पाकिस्तान आए दिन जिहड़ी मिनोरिटी दी खास करके सिख और हिंदू बच्चियां है उन्हां नूं जबरन चुक लिया जांदा है, उन्हां नूं किडनैप कर लिया जांदा है, उस तो बाद उन्हां दा धर्म परिवर्तन कर दिता जांदा है और फिर यह प्रैशर पाया जांदा है बच्चों के उत्ते कि तुसीं जाके स्टेटमेंट दे दिओ कि असीं अपनी मर्जी के नाल जिहड़ा निकाह किया है। ये बहुत ही जुलम उत्थे हो रहा है, अद्ध हो गई है जुलम की। हुण पिछले कुछ समय तो देखा 50 के करीब जिहड़ियां बच्चियां जिन्हां की असीं लिस्ट अंबैसी नूं दित्ती है, होम मिनिस्ट्री नूं दित्ती है और इस उन्हां बच्चियां नूं चुक के लै गए ने, चुक के लिजा के उन्हां दा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कर दिता गया है। सो यह बहुत वड्डा जुलम है। इस जुलम के खिलाफ जिहड़ी पाकिस्तान अंबैसी के बाहर जिहड़ी है ये श्रोमणी अकाली दल वालों दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज्ज मुजाहरा किया जा। पहले भी उन्होंने एक घटना की सी ते फिर 4-5 दिनों बाद उन्होंने उस बिटिया नूं वापस कर दिता सी। 17 साल की कुड़ी है, नाबालिग कुड़ी है, 18 साल की बालिग हुंदी है। उन्होंने इतना गलत काम करदे ने कोई कहण दी गल नहीं। असीं नहीं इत्थे उन्हां दे धर्म परिवर्तन करवा सकदे, इत्थे भी तो लोग रहिंदे ने। असीं तो इहो जिहे काम कदी नहीं कीते जिहड़े कि वह पाकिस्तान कर रहे हैं। ये जाण के हल्लागोरी करते हैं, जाण के इस तरह दियां हरकतां करते हैं ताकि असीं आवाज़ उठाइए। असीं सारे ही सिख कौम के लोग एक हाँ, चाहे असीं देश च रहने, चाहे विदेशों रहने, चाहे पाकिस्तान रहने, चाहे हिंदुस्तान, साडियां लड़कियां नाल बर्बरता नहीं होनी चाहिए। असीं इसलिए सड़कां ते उतरे हुए हैं और उतरांगे। इस मौके प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ लिए अपना संघर्ष होर तेज करने की गल कही। इस मौके DSGMC प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो इंसाफ लिए वड्डी जंग लड़नगे। ये बड़ा ही दुखदाई है और जेकर इन्हां दे उत्ते नहीं रोक लगी तो साड़ी जो उत्ते कम्युनिटी नाल धक्केशाही हो रही है वो इस हद तक होंदी जा रही है कि इंसानों नूं खुद नूं अपने आप नूं मारन तक जाना पै रहा है। साडे उत्थों दे साबका प्रधान साहब ने इतों तक क्या कि असं यह भी मजबूर हाँ कि जो साड़ी बच्ची सवेरे पढ़न जाती सूँ पता नहीं कि शाम वापस आएगी या नहीं आएगी। ये हालात बन चुके हैं साढ़े। इस वास्ते मानव अधिकार दिड़िया संस्थावान ने उन्होंने अगे आना चाहिए। यह विषय खाली पाकिस्तान का नहीं रह गया, दुनिया भर के सिखा मैं बेनती करता है कि सानू संजीदगी दिखाई चाहिए है। बहुत सारिया जथेबंदी उत्थे निजी तौर पर पाकिस्तान तो मेरे ना संपर्क रेंगे ने। उन्होंने सब का यह दर्द आ कि वो बोल भी नहीं सकते, उन्होंने आवाज़ में दबाया जाता है और उन्होंने सड़ तो उम्मीदा ने कि असं उन्होंने लड़ाई लड़ा, जो कि मैं उन्होंने विश्वास दवाना तुम्हारे टीवी चैनलों के राही कि बिल्कुल असं उन्हें लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने लड़ाई में लड़ा। इस तो बाद पांच प्रदर्शनकारी नूं अंदर जाण दी इजाजत मिली तां उन्हां उच्च अधिकारियों नूं मेमोरेंडम सौंपिया। दस दईए कि यह कोई पहला मामला नहीं जदों पाकिस्तान विच अजिहा होया होवे, इसलिए लोड़ है पाकिस्तान सरकार इस ते सख्त कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। दरअसल कुछ दिन पहला दो नौजवानों के वलों एक नाबालग सिख कुड़ी नूं अगवा कर लिया गया सी। उसका हले तक किधरों भी कोई सुराग नहीं लग्या। परिवार इंसाफ के लिए दुहाइयां पा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाने कुछ दां शर्म करो पाकिस्तान, जागो इमरान खान जागो। एक होर नाबालग सिख कुड़ी नूं कीता गया अगवा। एक बाप दी पुकार, एक बाप दी आवाज, एक बाप दा दर्द आप जी फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। कृपा करके मेरे लिए, मेरे बच्चे दी धर्म दी रक्षा लिए जिन्हें जालमां दे शिकंजे पिछे हो, इस टाइम कृपा करके इस औखी कड़ी विच, इस बुरे वक्त विच मेरा साथ दो। मेरे कोल सिर्फ और सिर्फ गुरबाणी दा ही आसरा है, आप संगतां दा ही आसरा है। ऐ दर्द पाकिस्तान च वसदे उस घट गिणती भाईचारे नाल संबंधित एक पिता का है जिसकी नाबालग धी
अगवा कर लिया गया। एलाचार पिता अपनी धी की वापसी के लिए दुहाइया पा रहे, कई तरह के शंके प्रगटा रहे। दरअसल पाकिस्तान च एक होर नाबालग कुड़ी नू अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान के गुरद्वारा श्री पंजा साहब के ग्रंथी सरदार प्रीतम सिंह की धी बुलबुल कौर की उम्र करीब 17 साल है। उसनों करीब 15 दिन पहला 2 मुस्लिम व्यक्तियों ने अगवा कर लिया। गुआंढ़ी मुल्क पाकिस्तान की इमरान सरकार है दावा करती नहीं थकती कि घट गिणतियां पाकिस्तान दे विच पूरी सुरक्षा दी जा रही है, पर नित दिन जो खबर आ रही ने वो जमीनी हकीकत नू कुछ वखरे ढंग दे नाल बयान कर रही ने। लगातार सिखां दे हिंदुआं दीआं कुड़ियां नू अगवा करके उन्हां दे जबरी धर्म परिवर्तन ते फिर निकाह दीआं खबरां आम होण लग पईआं ने, पर पाकिस्तान सरकार है कि खामोश बैठी है ते पीड़त इंसाफ दे लई दर दर ठोकरां खाण नू मजबूर हो रहे ने। लड़की दे अगवा होण तों करीब 15 दिन बाद भी उस बारे कोई खबर नहीं। परिवार परेशान है अते परिवार नू खदशा है कि उन्हां दी लड़की नू भी जगजीत कौर वांग जबरन धर्म परिवर्तन अते निकाह दे लई मजबूर कीता होवेगा। बुलबुल कौर सिख परिवार दे नाल संबंधित है अते परिवार मुताबक उह धार्मिक सोच दी धारनी है। पीड़ित परिवार इंसाफ दे लई दुहाइयां पा रहे। DSGMC के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उन्हें यह मामला विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान डेस्क इंचार्ज JP सिंह के ध्यान दे विच लिया है अते अपील की है कि इस संबंधी पाकिस्तान सरकार के नाल गलबात की जाए जिस संबंधी सकारात्मक भरोसा उन्होंने दिता गया। ये अब तक लापता हुई 55 लड़कियों की लिस्ट सौंपी है। अब तक 55 ये वो लड़कियां हैं जिसका हम केस प्रस्यू कर चुके हैं, इसके अलावा कितनी है वो अलग है, लेकिन ये पिछले 3 महीनों में जो 55 लड़कियों का केस हम प्रस्यू कर चुके हैं जिनके बारे में हम लड़ाई लड़ चुके हैं, ये वो है लड़की है। इसमें जगजीत कौर भी इंक्लूड है जो हमारे हेड ग्रंथी ननकाना साहब की बेटी थी। आज हमने उनको 2 मांगें रखी हैं, एक आप इसको प्रस्यू करो, जो कि उन्होंने कहा है कि हम इसको बहुत तेज़ी से शिद्दत से प्रस्यू करेंगे और मंडे को फिर हाई कमीशन को समन करेंगे। और दूसरा हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि हमारा एक डेलीगेशन जो हमारा पहले तय हुआ था कोविड के कारण रुक गया, हमारे डेलीगेशन को पाकिस्तान जाना का परमिशन लेके दी जाए। और जो हमारी बेटियां अब तक गुम हुई हैं वो हैं कहाँ, आज उनके क्या हालात हैं, हम जाकर इसकी जांच करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप लिखती रूप में हमें दें, हम पाकिस्तान के साथ प्रस्यू करके इसको भी पॉसिबल करेंगे। इसके साथ ही अगर हमारी बेटी कल तक वापस नहीं मिलती तो मंडे को हम पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, और ये प्रोटेस्ट जो रहेंगे ये कोई एक दिन का नहीं रहेगा, ये लंबा हम प्लान के तहत करेंगे ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जा सके, जो हमारी सिख बच्चियों के साथ अगवा किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ की बच्चियों के साथ जाती हो रही है, उन लोगों को बच्चों को इंसाफ दिलाया जा सके। पाकिस्तान से घट गिणतियों के नाल संबंधित किसी लड़की को मुस्लिम लड़कियों वालों अगवा किए जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। हाले कुछ दिन पहला ही पाकिस्तान के सिंध सूबे के जिला खैरपुर के खोरी च एक मुस्लिम लड़के अब्दुल सबूर ने 14 साल हिंदू लड़की परीशा कुमारी दिन दहाड़े अगवा कर लिया सी। अगवा करके हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया ते फिर उसके नाल ब्याह करवाया गया। इस मामले च FIR दर्ज करने तो बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई भी जरूरी नहीं समझी। हुण खदशा है कि गुरद्वारा पंजा साहब के ग्रंथी प्रीतम सिंह की धी के नाल भी उही होवेगा जो पाकिस्तान च हर घट गिणती दे नाल संबंधित लड़की दे अगवा होने तो बाद कीता जांदा है। सामने आवेगा एक हलफनामा जिस च लड़की नू बालक दस्या जाएगा अते कहा जाएगा कि लड़की की उम्र 18 साल है, भावें उसकी उम्र किन्नी ही छोटी क्यों ना होवे। नाल ही यह भी लिखा होगा कि उसने अपनी मर्जी दे नाल इस्लाम कबूल किया है, पर पीड़ित परिवार के दसन मुताबक लड़की की उम्र फिलहाल 17 साल है। एक गंदा सिलसिला लगातार जारी है ते पाकिस्तान सरकार दे झूठे वादियां दे दावियां दी पंड भी वड्डी ही हुंदी जा रही है, पर लोड़ है इस वेले घट गिणती भाईचारे नूं सुरक्षा देण दी अते पीड़तां नूं इंसाफ देण दी। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। CM सिटी पटियाला इत्थों दा रजिंद्रा हस्पताल अपनी अणगहली दे चलदियां नित दिन खबरां दे विच रहिंदा है। कोई ना कोई कांड इतने हुए ही रहा है विभागी अमले की लापरवाही के चलद्या। हूँ इतने करोना मरीज की मौत हो गई तो जिसकी लाश घंटिया बद्दी पौड़ियाँ पई रही। ये तस्वीर
जो तुसी टीवी स्क्रीन ते वेख रहे हो तुहानू झंझोड़ के रख देणगियां, तुहानू भी मजबूर करनगियां पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल दे प्रबंधकां नू लांता पाउण लई। दरअसल इत्थे कोविड केयर सेंटर च एक कोरोना मरीज औरत दी मौत हो गई, जिसकी लाश कई घंटिया तक पौड़ियां ते ही पई रही ते हस्पताल प्रबंधकां नू जाणू कराउण दे बावजूद किसे ने भी सार नहीं लई। 15 मिनट तो पई होई है पौड़ियां ते, आ देख लो पेशेंट दा हाल है। रजिंद्रा हॉस्पिटल कोविड-19 दे वार्ड नंबर फ्लोर नंबर 4 वार्ड नंबर 4 दे पौड़ियां ते पई होई है, 5 नंबर दी पेशेंट है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਿਰੀ ਪਈ, ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਉਸਦੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ कंफ्यूज होंगे ने जी, सैचुरेशन घट सी, असी ऑक्सीजन शुरू करती सी, उत्थे साडे कोल 50-60 पेशेंट ने वार्ड नंबर 5 दे विच ICU दे विच, उस पता नहीं लग्या एकदम किस तरह कन्फ्यूज हो, बाथरूम गई सी जां हो पैनिकी होगी की कारण सी, पर नाल दी नाल असी उसनू चक के वापस लै गए सी, ट्रीटमेंट भी शुरू करता सी पर अल्टीमेटली वो बचा नहीं सका। वाकई तस्वीरां सब नू हैरान ते परेशान करन वालियां ने, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਅਹੂਜਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਖਾਸੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪਾਇਲ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹਨੇ ਦਿਨੀ ਖਾਸੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਪਾਇਲ ਗੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਟਿਸਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾ मुझे बुरा लगा, जो भी हुआ वैसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना तो मैं उनके साथ काम कर रही थी, ना तो मेरा उनके साथ कोई जान पहचान था, ना तो हम दोस्त थे, हम जस्ट मिले थे। तो कोई तुम्हारे पास काम मांगने आए हैं या काम के लिए मिलने आए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है। तो वो उन्होंने ये नहीं सोचा और उन्होंने मुझे अनकम्फर्टेबल फील करवाया, जो चीज़ मुझे बहुत अभी तक हॉन्ट करता है। तो मैंने आज मैं जब कल इंटरव्यू दिया ना, तो उसके बाद ही वो बिलीव मैं इतना अच्छा महसूस किया कि मुझे लगा कि मैं अंदर कुछ छुपा के रखी थी, वो मैंने निकाल दिया, आगे जो होगा देख लेंगे। दूजे पासे पायल दे स्ट्रीट ते महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इसका नोटिस लिया है। उन्होंने पायल नू एक मेल आईडी देते हुए इसते विस्तार शिकायत भेजने की अपील की है। कल रात को मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और हम मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं, जब तक जांच होगी और जब तक
ये कोर्ट में केस पहुंचेगा तब तक मैं पायल घोष को कहना चाहूंगी कि राष्ट्र महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। दस दी के पायल घोष ने अनुराग कश्यप से जबरन संबंध बनाने का इल्जाम लगाया। उसने ट्वीट करते लिखा है कि उस नाल जबरदस्ती की गई ते हिंसक बर्ताव किया गया। उसने अपने ट्वीट विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस मामले विच कार्रवाई करने की गल कही। नाल ही उन्हें अपने इस ट्वीट विच जिक्र किया है कि दुनिया नूं पता चले कि इस क्रिएटिव बंदे दे पिछे एक राक्षस छुपया होया। उसने भी कहा कि उसनूं पता है कि उसनूं नुकसान पहुंच सकता है अते उसकी सुरक्षा खतरे विच है। हुण वेखना यह होगा कि अनुराग कश्यप ते लगे इन्हां गंभीर इल्जामां दे मामले दे विच आखिर की कार्रवाई होंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीसी न्यूज। खबरकार इस प्रोग्राम दे विच अज लई इन्ना ही। तुसी बने रहो पीटीसी न्यूज दे नाल। मैनूं इजाजत दिओ। धन्नवाद।